जावरा पत्रकार कॉलोनी के रहवासियों द्वारा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी कर ज्ञापन दिया। लंबे अरसे से पत्रकार कॉलोनी के रहवासी कॉलोनी को अवैध करने की मांग कर रहे हैं। कई मर्तबा आला अधिकारियों को अवगत कराने पर भी सुनवाई नहीं होने से और कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से कॉलोनी की महिलाएं और पुरुषों का आक्रोश फूट पड़ा और कॉलोनी के रहवासियों द्वारा एसडीएम कार्यालय के सामने नारेबाजी की गई। क्या नाम है आपको और कहां पर आए हैं आज? मेरा नाम रीता पवार है। किन समस्याओं को लेकर आए आप यहाँ पर? समस्या लेकर आए नल रोड लाइट पानी के लिए। क्या इसकी कहीं पे आपने पूर्व में शिकायत की? क्या चाहेंगे आप शासन प्रशासन से? हम यही चाहेंगे कि नल रोड और पानी की समस्या की जाए। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो फिर आपको वोट लेने का भी कोई हक नहीं है। क्या नाम है आपका और किस समस्या को लेकर आज यहाँ पे एसडीएम कार्यालय आप यहाँ आए? मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है और सबसे बड़ी समस्या पत्रकार कॉलोनी कारजू नगर की है। यह 43 साल हो गए सबसे पुरानी कॉलोनी होने के बाद भी आज तक ना यहाँ पे रोड है ना नाली है, कुछ भी नहीं। एसडीएम साहब को पहले भी दो बार ये ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं की गई है ये एसडीएम साहब बता सकते हैं कि इनके ऊपर किस चीज का दबाव है, क्या है, ये किसी को मालूम नहीं। आज इसीलिए इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो कितने सालों से लगभग ये समस्या से जूझ रहे हैं आप? ये 40 साल हो गए सर, 40 साल से जूझ रहे हैं। क्या इसकी कोई अन्य जगह आपने शिकायत की अब तक? दो बार एसडीएम साहब को कर चुके हैं, दो बार महिला भी आ चुकी है लेकिन आज तक किसी ने कोई भी इसका निवारण नहीं किया। क्या कॉलोनाइजर को से कोई शिकायत की आपने अभी तक? कॉलोनाइजर की भी शिकायत कर रखी है लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, चार जने के पुराने जने काटे थे, दो के ऊपर कार्रवाई हुई, दो के ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई ये यही जाने शासन जाने प्रशासन जाने। पार्षद वगैरह को आपने कोई शिकायत? बिल्कुल शिकायत करी थी उन्होंने भी, वो भी हालांकि अभी उन्होंने मुरम भी डलवाया है लेकिन उनसे भी कोई संतुष्टपूर्ण जवाब और ना संतुष्टपूर्ण कार्य हुआ। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन? बिल्कुल शासन प्रशासन ये चाहते हैं कि अभी बरसात का मौसम हम भी जान रहे हैं, आप वहाँ के देख के चलो कि वहाँ की स्थिति क्या है। वहाँ की स्थिति देखो, वहाँ पे कितना कीचड़ हो रहा है, बच्चे परेशान है, महिला परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, स्वास्थ्य के लिए परेशान है, मतलब सभी प्रकार की परेशानी आ रही है वहाँ कॉलोनी के अंदर। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगे क्या? अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आज से 10 दिन के बाद हम 4 लाइन जाम करेंगे और इससे ये पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन सबकी रहेगी। जावरा से JP मालानी की रिपोर्ट।